कोतवाली पुलिस व साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर आपत्तिजनक व अश्लील फोटो पोस्ट कर ब्लैकमेल करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस व साइबर क्राइम की टीम ने दो अभियुक्त जो फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर आपत्तिजनक व अश्लील फोटो टिप्पणी तथा मैसेज कर ब्लैकमेल करने व रुपये मांगने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह लोग सोशल मीडिया के माध्यम से युवती की फोटो प्राप्त कर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर वादी के महिला मित्र को बदनाम व युवती महिला मित्र से दोस्ती करने की नीयत से आपत्तिजनक तथा अश्लील टिप्पणी मैसेज कर ब्लैकमेल करने तथा रुपए की मांग कर रहे थे, जिनकी पहचान हिमांशु गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी निजामपुर थाना कोतवाली व अर्पित बर्नवाल पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश बर्नवाल निवासी लालडिग्गी हसनगंज थाना राजघाट के रूप में हुई है, जिनके पास से दो मोबाइल भी बरामद किया गया है। एसपी क्राइम ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, साइबर क्राइम प्रभारी उपनिरीक्षक महेश कुमार चौबे, कांस्टेबल शशिकांत राय, शशिकांत जायसवाल शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, बराबर दो मोबाइल फोन और उन दो से गोरखपुर के वासी निखिल कसौधन ने मेरे कार्यालय आके प्रार्थना पत्र दिया था कि किसी ने उनकी फेक आईडी बना ली है और फेक आईडी बना के परेशान कर रहा है, तो उस पर हमारा साइबर सेल ने वर्क किया और साइबर सेल ने वर्क करके हमने इंस्टाग्राम की फेक आईडी बनाने वाले दो लड़कों के लिए गिरफ्तार किया, जिनके नाम हैं अर्पित बर्नवाल और हिमांशु गुप्ता। ये निखिल कसौधन की फेक आईडी बना के और उनसे पैसों की मांग कर रहे थे और पैसों की मांग करने के साथ साथ अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज कर रहे थे, तो इस केस को वर्कआउट करने के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजघाट पे मुकदमा कायम किया गया है। आईटी एक्ट की समुचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को कब्जे से दो मोबाइल फ़ोन और दो सिम बरामद हुए हैं और इस पूरे केस में काम करने वाली टीम में इंस्पेक्टर कोतवाली कल्याण सिंह सागर और प्रभारी साइबर सेल महेश चौबे के सहयोगी शशिकांत जायसवाल और शशि शंकर राय ये शामिल हैं। और एक ये अच्छा कार्य किया है, आजकल ये बहुत चल रहा है कि फेक आईडी लोग बना लेते हैं, इंस्टा पे बना लेते हैं, एफबी पे बना लेते हैं, इसके बाद धन की मांग करते हैं, वसूली कर नहीं पाए थे उससे पहले ही इनके लिए पकड़ लिया। इससे पहले तो इन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आई है, पर चूंकि ये सातराना जो इनके साथ व्यवहार कर रहे थे वो जानबूझ के नोइंगली कर रहे थे। ये बात सही है कि ये एक महिला का नाम लेके और अश्लील मैसेज भेज रहे थे, पर उनके नाम करने का खुलासा यहाँ उचित नहीं रहा। अब वो जो कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट की परिचित थी वो, ये लड़के स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए तो क्या ट्रेंड में क्या है, आपके लिए जनरल अलर्टनेस आपको रखनी होगी अपनी, कि जैसे ही आपके पास कोई आपको लगता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई आपके नाम को लेकर फेक आईडी बना के करता है, तो तत्काल आप साइबर सेल को सूचित करें। दूसरा, सोशल मीडिया पे बहुत ही सोच समझ के अपना कोई फ़ोटो वगैरह पोस्ट करें, जब आवश्यक हो तो उतना ही पोस्ट करें, अननेसेसरी आप अपने फैमिली का और स्वयं का कोई फ़ोटो जो है अननेसेसरी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें।